so hello uh, curious children welcome once again uh, to our youtube channel uh, coaching for you and uh, we are with uh, one more video and in this uh, we will be solving uh, from number system uh, class 9 uh, this is for academics year 2023 24 and already yesterday pichla uh, videos me pichle videos me हम लोगों ने ऑलरेडी नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में पढ़ा था तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था इंटीजर्स तो आप लोगों को नंबर लाइन के बारे में पता होगा कल कल भी मैंने आपको आप लोगों को दिया था कि नंबर लाइन में क्या होता है <coughs> बीच में जो जेरो होता है ओरिजिन जेरो होता है जेरो से शुरू होता है तो जेरो का राइट साइड में जितना भी होगा सब पॉजिटिव होगा सब क्या होगा पॉजिटिव होगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स इसको क्या बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स का मतलब जर्मन वर्ड है जेलन होता है जेड ए एच N जेलन मीन्स टू काउंट इसका मतलब भी काउंट होता है इंटीजर्स का मतलब तो इसका जो लेफ्ट साइड होगा जितना भी लेफ्ट साइड में जितना भी नंबर्स होगा सब नेगेटिव में होगा कल बताया था मैंने तो इसी को नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स तो बीच में जेरो होता है जो कि ओरिजिन होता है जेरो ना इधर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव सो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर्स क्या बोल सकते हैं हम लोग न्यूट्रल इंटीजर्स सो द कलेक्शन ऑफ नंबर नंबर जेरो अलॉन्ग विद नंबर्स लाइक वन टू थ्री नेचुरल नंबर एंड इट्स नेगेटिव फॉर्म मतलब जेरो होल नंबर दिस आर नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल इंटीजर्स तो आप लोगों को पता होगा राइट right साइड पे क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स ओके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा रेशनल नंबर ये आप लोगों को क्लास एट में भी मिला था और यहाँ पे क्लास नाइन में भी मिलता है द नंबर डेट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म पी बाई क्यू ये इंपॉर्टेंट है एंड वेयर पी and क्यू आर integers, पी and क्यू आर integers. Integers मतलब ऑलरेडी मैंने बोला था वन टू जेरो भी हो सकता है वहाँ पे बीच में टू थ्री फोर जो भी नंबर हो सकता है नहीं तो माइनस वाला नंबर भी हो सकता है वेयर पी and क्यू आर integers एंड क्यू नॉट इक्वल टू जेरो मतलब ये कभी भी जेरो नहीं होगा ये जो डिनोमिनेटर देखा है आप लोगों ने क्यू कभी भी जेरो नहीं होगा तो आप लोग स्कॉल रेशनल नंबर रेशनल नंबर का मतलब रेशियो होता है रेशियो मतलब पता नहीं फ्रैक्शन टू बाई थ्री तो एग्जाम्पल हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, टू बाई थ्री माइनस वन बाई फोर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जेरो जेरो रेशनल नंबर है यस ओब्वियसली इट इस रेशनल नंबर लेकिन जेरो का पी बाई क्यू फॉर्म क्या होता है तो जेरो को अगर कोई भी नंबर डिवाइड करता है डिवाइडेड बाई वन अल्टीमेटली क्या होता है जेरो ही होता है कि नहीं डिवाइडेड बाई टू अल्टीमेटली क्या होता है जेरो होता है जेरो डिवाइडेड बाई थ्री अल्टीमेटली क्या होता है जेरो होता है सो द पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ जेरोज जेरो वन जेरो मतलब ये वाला कंडीशन में क्या बोला है क्यू नॉट इक्वल टू जेरो नीचे वाला जेरो नहीं होगा मतलब वन डिवाइडेड बाई जेरो दिस इज़ नॉट डिफ़ाइंड ये रेशनल नंबर नहीं होगा दिस इज़ नॉट डिफाइंड ये नहीं होगा लेकिन अगर जेरो को वन डिवाइड करता है तभी वो रेशनल होगा ओके okay. टू को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं फोर डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू ये पता है ना टू मतलब या सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं और ये थ्री को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं सिक्स डिवाइडेड बाई टू इक्वल थ्री नाइन डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल थ्री इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं सो so, कोई भी नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फेम क्यू वाला फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन कुछ नंबर ऐसा होता है जो जिसको नहीं कर सकते उसको इरेशनल बोलते हैं. और जिसको कर सकते है, हम हैं हम लोग उसको रेशनल बोलते हैं सो नेक्स्ट टॉपिक इज इरेशनल नंबर तो बिल्कुल ये रेशनल नंबर का ऑपोजिट में होगा इसका डेफिनेशन राइट right? the number that cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q not equal to zero is called irrational number so bilkul ye iska definition ho gaya irrational number ka so examples agar hum log dekhenge to under root 2 jese ki prime number ka under root otherwise imperfect which is not perfect not perfect square number का under root को ही इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अंडर नाइन को हम लोग इरेशनल के अंदर में नहीं ला सकते बिकॉज अंडर नाइन इज थ्री तो याद रखिएगा अंडर नाइन इज रेशनल नॉट इरेशनल, ये रेशनल होगा क्योंकि अंडर नाइन इज थ्री वेरस अंडर रुड टेन को हम लोग इरेशनल के अंदर में लगा सकते तो इतना भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को अंडर नाइन क्या होगा रेशनल होगा बिकॉज अंडर रूट नाइन इज थ्री अंडर रूट टेन का कोई वैल्यू नहीं होगा उसका वैल्यू आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग पे अंडर रूट अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री पाई और ये ऐसा नंबर अगर आप लोगों को मिलेगा मतलब नंबर क्या हो रहा है एक पैटर्न uh, पे अगर रिपीट नहीं होगा पैटर्न पे रिपीट नहीं होगा और ख़त्म भी नहीं होगा तो उसको उसको भी हम लोग इेशनल नंबर के अंदर में लगा सकते हैं तो जेरो पॉइंट जीरो वन देखिए जेरो वन जेरो यहाँ तक ठीक है लग अगर यहाँ पे वन होता तो उसको रिपीटिंग बोलते हम लोग डबल जीरो वन और यहाँ पे देखो सिमिलरली ऐसे जा रहा है है कि नहीं तो इसको बोल देंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो ये भी एक इरेशनल नंबर का ही में आता है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा दिस वॉज दिस इज़ अबाउट इरेशनल नंबर